श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के तालुका अर्धपुर ग्राम कोंडा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 23 से 29 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा पंडाल में हुई है तो काफ़ी अच्छी बात है, लाखों शिव भक्तों ने कथा पंडाल में बैठकर सुनी है। हम आपको बता दें, आज 26 अगस्त चौथे दिन की कुलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भगवान हमारे हृदय में आ जाएं तो दुनिया का कितना ही बड़ा कारागार हो, कितना ही बड़ा दुख हो, कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितना ही बड़ा कष्ट हो, वह दूर हो जाता है। यह हमें भगवान कृष्ण की कथा से सीखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहता है हम बहुत दुख में हैं, कोई कहता है कि हमें बहुत जीवन में कष्ट है। सिर्फ हमारे जीवन में कष्ट है, बाकी सबके जीवन में नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, संसार में जन्म लिया, मृत्यु लोक में जन्म लिया, हर व्यक्ति को सुख और दुख दोनों आएगा, यह निश्चितता है। भगवान राम भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, और हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा, भाग्य दिखाने से भाग्य नहीं संवरेगा। आपको स्वयं अपना भाग्य संवारना पड़ेगा, दुख अपना स्वयं काटना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करना होगा, साथ ही आपको अपनी मेहनत 4 गुना अधिक करनी होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, काफ़ी अच्छा प्रश्न था, प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। भगवान कृष्ण ने अमेरिका में जन्म क्यों नहीं लिया, भगवान कृष्ण ने चाइना में जन्म क्यों नहीं लिया, कृष्ण भगवान विदेश में क्यों नहीं जन्मे, भारत में ही क्यों जन्मे? तो इस पर गुरुजी ने कहा, विदेश के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं पर भारत में दिल से प्रेम किया जाता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने भारत में जन्म लिया, भगवान राम ने भारत में जन्म लिया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव बहुत परीक्षा लेते हैं शंकर के करीब जाने के लिए। शंकर जैसा विश्वास, शंकर जैसा तप, शंकर जैसी भक्ति होना चाहिए, तभी आप शिव के करीब जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। अरुणा अजय जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी की शादी के 11 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी, मेरी बेटी अबू धाबी में थी। मैंने मेरी बेटी के लिए कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बेटी ने भी अबू धाबी में ही आसन लगाकर कथा सुनी। 5 दिन की कथा का श्रवण किया और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का है एक लड़की है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। शुभांगी जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 6 साल निकल गए, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, पर मैंने भगवान शंकर की भक्ति और अधिक की। बाबा ने मुझे 2 संतान दी। संतान होने के 6 माह बाद मेरे बेटे को बुखार आया और जिसके कारण उसे फिट आना शुरू हो गए, उसकी ग्रोथ रुक गई। मेरा बेटा 5 वर्ष का हो गया पर चल नहीं पाता था, कई तरह का उपचार कराया पर बेटा चल नहीं पाया। बेटी चल पाती थी, बेटी ठीक थी, पर मैंने सोचा कि बाबा ने जब दिया है तो बाबा ही संभालेंगे। मंदिर में जाकर बाबा पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा उस बेटे को जल आचमन करा देती और थोड़ा सा उसके शरीर में लगा देती, बाबा की भक्ति करती। बुधवार का दुर्गा अष्टमी का जो आपने गुड़ और मूंगे का उपाय बताया था वह उपाय हमने किया और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 3रा सोमवार ही आया था और मेरा बेटा चलने लगा है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन मत करना, सिंचन मत करना, बेलपत्र मत खाना, पर शिव तुम्हारा है, जल तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, इसलिए शंकर पर किया हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लाकर स्वयं पढ़िए, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन कर लेने से कई प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। शंकर भगवान के प्रसाद का दर्शन मात्र करने से सभी तीर्थ के दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना प्रकाश जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी खुद की ज़मीन नहीं है, हम दूसरों की ज़मीन लेकर उसमें खेती करते हैं, हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है। मेरी दोनों बेटियों ने परली बैजनाथ की कथा पंडाल में बैठकर यह कहकर सुनी कि माँ सिहोर वाले महाराज कहते हैं कि कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मनोकामना पूरी होती है, तो क्या हम भी डॉक्टर बन सकते हैं? मेरी दोनों बेटियों ने खूब मेहनत करी और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए एग्ज़ाम के समय उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए नीट का एग्ज़ाम दिया।
दोनों बेटी नीट के एग्ज़ाम में पास हो गई है, एक MBBS कर रही है, एक BAMS कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सत्यभामा जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, मेरा बेटा एग्ज़ाम दे दिया पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। उसने अपनी मेहनत को बढ़ाया और शंकर पर विश्वास को बढ़ाया। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लिख रहा है जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे ने 12th किया, उसके बाद MA किया पर उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयत्न किया, नौकरी नहीं लगी, हार गया। मैंने मेरे बेटे को पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। मैंने और मेरे बेटे ने दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत रखा। मेरे बेटे ने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सफाई का कार्य करना भी शुरू किया। मेरे बेटे ने एग्ज़ाम दिया और आज मेरा बेटा कमिश्नर ऑफिसर के पद में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और सभी को कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष कल्लू जी महाराज का हम अभिषेक करते हैं, तो उसी को आज भी मनाया जाएगा, जो कि शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक रहेगा। तो आप सभी अपने मोबाइल पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जाकर शाम को 7:30 बजे से इस अभिषेक का दर्शन कर सकते हैं और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। यह दर्शन आप 1 घंटे तक कर सकते हैं, 1 घंटे तक आपको देखने को मिलेगा शाम को 7:30 बजे से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा जो होगी वह सितंबर माह की पहली शिव महापुराण कथा होगी, जो कि 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगी। और यह कथा गुड़गांव में होने वाली है और इस कथा का नाम गुरुजी ने बताया है, इसका नाम होगा फुलेरा शिव महापुराण कथा, जिसे आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। इस कथा को आप पंडाल में भी बैठकर सुन सकते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस भी हम आपको इसी कथा के अंतिम दिन तक आप तक पहुंचा देंगे, ताकि आपको कथा पंडाल का एड्रेस मिल जाए, ताकि आप कथा पंडाल में पहुंचकर कथा का आनंद ले पाएँ। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोज़ाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, साथ ही हम आपको सूर्य अस्त के समय की जानकारी देते हैं, ताकि आपको प्रदोष काल की जानकारी मिल सके और आप भगवान के पूजन, जैसे प्रदोष काल में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना रहता है, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना रहता है, तो आपको सही सही समय पता हो सके, क्योंकि गुरुजी ने कहा है सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। तो अगर आप रोजाना के प्रदोष काल की तिथि की जानकारी चाहते हैं, सूर्य अस्त के समय की जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम अन्य उपयोगी जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।